हाँ देखो, जब बात चल रही है शेक्सपियर की तो क्यों ना एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, है ना। ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है शेक्सपियर की जो रोमन प्लेज की, हालांकि ये कोई खास बात नहीं है, कुछ लोग चार जो प्लेज है रोमन प्लेज इसकी शेक्सपियर की, उनको कुछ प्ले, चार प्लेज ऐसे जिनको रोमन नाम दिया है, उनका मेरे पास एक सीधा सा सिंपल सा वे, अगर आप याद रखना चाहो तो सीधा सा, जू टे और का, जुटका, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। देखो जुटका क्या है, तो सबसे पहले तो जूलियस सीजर, ये 1603 में लिखी गई, जूलियस सीजर। नंबर सेकंड है टीटस, एंड्रोनिकस, ये है 1593 की वर। ओके जी, फिर आता है आपका सी, सी स्टैंड्स फॉर कोरियोलेनस नाम किसकी बुक थी जो आई थी 1605 से लेकर 1608 के बीच इसको लिखा गया। ये रिटर्न डेट है, कौन सी डेट है, रिटर्न डेट है। और लास्ट आपकी है केरियोलेनस हो गया, तो ए स्टैंड्स फॉर एंटोनी, एंड क्लियो पेट्रा। अरे बच्चों ये लिखी गई थी लमसम 1603 से 1607 के आसपास इसको लिखा गया था। तो एक बार फिर देखना, शेक्सपियर की फोर फेमस रोमन प्लेज जो जुटका पर आधारित है, जूलियट एंड सीजर, टीटस एंड एंड्रोनिकस, केरोलेनस एंड एंटोनी एंड कैलियोपेट्रा, ये इसकी क्या है, रोमन प्लेज। ओके।